सीधी नियुक्ति के लिए लगभग 700 खिलाड़ियों ने आवेदन दिया है। खेल निदेशालय ने इनकी स्क्रूटनी पर कर फाइल स्क्रीनिंग कमेटी तक पहुंचा दी, और अगर फिर भी किसी को नियुक्ति को लेकर शंका है तो वो पोर्टल पर अपनी डिटेल चेक कर सकता है। झारखंड में खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, फिर भी बीच बीच में ये खबर खिलाड़ियों को विचलित कर रही है कि नियुक्ति सूची में बहुत सारे योग्य खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। खेल निदेशक ने साफ किया कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, अगर किसी को भी शंका हो तो वो खेल निदेशालय में आकर उनसे संपर्क करे और सब कुछ पोर्टल पर अंकित है। हम लोगों ने फिर से आवेदन मंगाया था और अभी उसकी स्क्रूटनी चल रही थी, स्क्रूटनी करके विभाग के स्तर पर उसको एक टेंटेटिव बनाया गया है और उसको फिर हम लोगों ने अभी पोर्टल पे अपलोड कर दिया है और पेपर में एडवर्टाइज भी किया है कि जिनको भी आपत्ति या दावा कुछ है जो उसमें उनको लगता है कि त्रुटि रह गई है तो वो लोग 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में उसमें अपना अपनी आपत्ति और अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है जो फाइनल एप्लीकेशन पर फाइनल निर्णय करेगी। अभी भी कुछ दिन का समय है, पोर्टल पर अंकित तारीख से पहले किसी को भी यदि लगता है कि वह नौकरी पाने की कैटेगरी में आता है तो वह आवेदन कर सकता है। खेल विभाग के निदेशक ने भी कहा है कि यदि किसी को भ्रम है तो वो सीधा विभाग से संपर्क कर सकता है। बन जाता है तब तक हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे कि कितनी लिस्ट है और कितनी क्या है। आवेदन 700 से अधिक आवेदन आए हैं और उसी को हम लोग जो भी नियमावली है उसके अनुसार फाइनल करेंगे। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के एक वर्ष पूरा होने के मौके पर चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम है। नियुक्ति प्रक्रिया बहुत सावधानी के साथ पारदर्शी तरीके से चलाई जा रही ताकि कोई विवाद खड़ा ना हो। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।